स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे जिसका मुझे रिक्वेस्ट किया गया था, द कैमरा ऑफ अवतार, क्योंकि अवतार 2 आ रहा है और एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट भी किया था, व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था। तो बात समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अवतार एक काफ़ी बड़ा चेंज ले आया कि 3D को लोग सीरियसली लेने लगे, लेकिन 3D तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या था, बात था कि 3D को जो लोग भी कर रहे थे वो चीप गिमिक के तौर पर कर रहे थे, यानी कि मेरी पिक्चर इसलिए मत देखिए कि वो पिक्चर अच्छा है, इसलिए देखिए कि वो 3D है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। और जितने भी कैमरा थे, जितने भी मतलब चाहे वो IMAX का ही 3D क्यों ना, ये सब 3D कैमरा नहीं है, ये ज़बरदस्ती का 2 कैमरा प्रिटेंड कर रहा है 3D कैमरा का। तो रिकॉर्डिंग करने का हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन तो छोड़ दीजिए, जब रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलोगे कि पोलराइजर का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब रिकॉर्डिंग में 3D डेप्थ डेटा नहीं है तो ज़बरदस्ती का 3D दिखा के करो क्या। और हिसाब से वही रहता था कि कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता कि हमारा आँख कैसे काम करता है, आँख किस तरह का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसका साइड इफेक्ट होता था कि हमें सिर्फ सिर दर्द मिलता था। ये कॉमन बात आप समझ लीजिए कि आपको इस तरह के जितना भी 3D कैमरा आपको देखने को मिलेगा या जितना भी आपका लेंस साइड बाई साइड देखेंगे उसमें जनरली क्या 99% टाइम में लोगों को हेडेक ही आता है, और कारण है कि ऐसे हमारा आँख नहीं काम करता। मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये समझिए कि 2 कैमरा को साइड बाई साइड लगा देने से 3D हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, हमारा आँख वैसे काम नहीं करता कि बस 2 आँख है हो गया 3D। बहुत सारा लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। तो यही समझिए, प्रॉब्लम यही था कि पहली बार 3D को लोग सीरियस पहली ट्राई जरूर किए, लेकिन एक होता ना कि ट्राई करने में खर्चा बहुत आ रहा है तो गिमिक के तौर पे उसे बेचने लग गए। और कोई अच्छे स्टोरी को 3D में डालो तो लोग सीरियसली लेंगे, लेकिन आप पहली बात आपका कैमरा ढंग से 3D है नहीं, दूसरी बात आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो, ज़बरदस्ती का मतलब बस सीखो ना कि ये डाल दो वो डाल दो 3D कर दो, वो वाली बात हो गई। तो इसीलिए 3D का रेपुटेशन बहुत ख़राब था। और मतलब ऐसा नहीं कि जेम्स कैमरॉन ट्राई नहीं किए थे, जेम्स कैमरॉन बहुत पहले भी ट्राई किए थे, अवतार से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद भी गलत रास्ते पर चल रहे थे, खुद ही उस सारी गलतियों से सीख के अवतार बनाए थे। तो यहाँ पे उन्होंने जो मशीनरी लगाया वो सबसे बड़ा बात ये था कि हमारा आँख फोकस करता है, ये सबको पता है कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, ठीक है, आपका आई फोकस एडजस्ट करता है, ठीक है, ये सबको पता है, हमारे आँख में लेंस है, लेंस एडजस्ट करता है फोकस बल्ले बल्ले। लेकिन बात है कि हमारा आँख टिल्ट एडजस्टमेंट भी करता है, यहीं पर सारे 3D कैमरा लटक जा रहे थे। हमारा 3D कैमरा का ऑप्शन ये था कि हम लोग 2 कैमरा को एंगल में नहीं रखते हैं, पैरेलल रखते हैं, जैसे कि आप इस तरह का इक्विपमेंट देखेंगे पैरेलल रखा जाता है। अब प्रॉब्लम है, हमारा आँख पैरेलल रखने का मतलब हो गया कि वो इन्फिनिटी में है, हमारा आँख अगर आप किसी तारे को देख रहे हैं वो पैरेलल हो जाता है क्योंकि वो बहुत दूर है, तो हमारे आँख के लिए वो पैरेलल है। लेकिन अगर आप पास देखते जाएंगे वो धीरे धीरे एंगल जो है हमारे आँख का वो धीरे 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 नज़दीक आते जाता है, जैसे कि आप कोई भी पेन लीजिए उसको नज़दीक लाते जाइए देखिए आपका आँख का धीरे धीरे एंगल चेंज हो रहा है। ये एंगल भी हमारे ब्रेन को बता रहा है कि कोई चीज़ जिसको आप देख रहे हैं वो दूर है कि पास है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस तरह से कि बस 2 डेटा है तो उसमें ये एंगल नहीं है, हमारे आँख को लगता है कि भैया वो तो इन्फिनिटी में डेटा है। अब आप ज़बरदस्ती करो तो आप लोग मतलब बचपन में जो 3D सब स्टार्ट में हुआ था तो सारे 3D में होता था, कोई चीज़ ऐसे आ रहा है सड़क से दर्द, बहुत तेज़ सर दर्द होता था, क्यों, क्योंकि आपका आँख एक्सपेक्ट डेटा उसको जो दिया जा रहा है वो है पैरेलल का। अब बात है पैरेलल तो पास नहीं होता ना, पैरेलल दूर वाला चीज़ है, तो वहीं उसका दिमाग खराब हो जाता था, वहीं से आपको ब्रेन को हर्ट होने लगता था कि भैया ये क्या कर रहे हो, डेटा मैच नहीं कर रहा है, दिखा रहे हो कि पास है, बिहेव कर रहे हो कि दूर है। तो यही कारण से जो पैरेलल होता है इसे हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। सिर दर्द का मेन कारण वही था कि हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन, हमारा ब्रेन बनाया गया इस तरह का डेटा पॉइंट के लिए, आई के लिए, आई में एंगल एडजस्टमेंट है, लेकिन आप पैरेलल डाल देते तो वो कन्फ्लिक्ट करने लगता है। तो वही समझिए, अब रहा बात कि कैमरा में आप कैसे एडजस्ट करोगे इस एंगल को, ये अडैप्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव और अडैप्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको ब्रेन की तरह बिहेव कर पाएंगे। यानी कि आप कैमरा अगर देख रहे हैं तो कैमरा का एंगल आप देख सकते हैं कि वो चेंज करते जा रहा है, जैसे पर्सन पास आ रहा है कैमरा का एंगल चेंज होते जाएगा, दूर जाते जा रहा है एंगल नज़दीक होता जाएगा, ये समझिए, ऐसे इसको ऊपर से देखिएगा तो ऐसे होता रहेगा। ये अगर नहीं किया जा रहा है तो डेप्थ डेटा नहीं है, आप ज़बरदस्ती का फोर्स करो ब्रेन को और ब्रेन सिर्फ दे देगा, यहीं पे सारा दिक्कत वही होता था। और ये एक ऐसा चीज़ है जो अवतार वाला डॉक्टर एकदम क्लियर था कि ये पोस्ट प्रोसेसिंग में नहीं ठीक कर सकते, कुछ भी करके पोस्ट प्रोसेसिंग में इसे नहीं छेड़ा जा सकता। एक बार ये बेक हो गया वीडियो में, कैमरा का एंगल बेक हो गया, वो फीड आ गया है आपका वीडियो फुटेज में, वीडियो फुटेज को जैसे ही लेफ्ट और राइट आई उसको दिखाया जाएगा तुरंत दिमाग को पकड़ में आ जाएगा कि ये इतना दूर है। और मान लिया का फोकस मिस हो गया या आप बनो से नहीं या थोड़ा सा ड्रामेटिकली थोड़ा और क्लोज कर देते हैं, नहीं नहीं कर सकते सर, रिकॉर्ड हो गया वो डेप्थ डेटा, एक बार रिकॉर्ड हो गया तो नहीं छेड़ा जा सकता। तो ये समझना बहुत जरूरी, इस तरह के कैमरा सिर्फ सिरदर्द देते हैं, और ढंग का 3D जो कि बड़े स्क्रीन में देखें और उससे आपको सिरदर्द ना हो, मज़ा आए, मतलब एक होता ना कि सही अगर 3D आप देखते हो तो खो जाते हो। क्यों खो जाते हो, क्योंकि आपका ब्रेन वैसे काम कर रहा है जैसे वो नेचुरली करेगा, लेकिन जब ज़बरदस्ती का 3D आपको दिखाया जाता है तो ब्रेन अच्छा ये इन्फिनिटी में है, नहीं 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 ये एक्चुअली पास में, आपका दिमाग प्रोसेस करने लगता है और वो प्रोसेस उसका काम ही नहीं है,
नेचुरल चीज़ में प्रोसेसिंग नहीं होती, वो बस हो रहा है, यहीं पे बैंड बज जाता है। तो मशीनरी ये समझिए कि आपको फोकस भी करना है, मतलब दूर या पास, प्लस टिल्ट एंगल भी देना है, मतलब लिटरली आपके कैमरास को ऐसे सिस्टम पे लगाना होगा कि वो एंगल को एडजस्ट कर सके। और पीछे मतलब अवतार के केस में लिटरली कैमरा हाथ में है और पीछे कंप्यूटर लगा के लोग बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ यही है कि एंगल एडजस्ट करते रहो कि फोकस आ रहा है उसके हिसाब से। मतलब ये रिमोट हो रहा था, कैमरा मैन यहाँ पे है और रिमोट में कोई और कर रहा है फोकस और दोनों एंगल को एडजस्टमेंट। तो ये समझना बेहद जरूरी, यही है मेन मशीनरी जो अवतार से पहले लोग सीरियसली नहीं करते थे। फिजिक्स पता था, ये बात समझना जरूरी है, फिजिक्स हमें पता था कि हमारा आँख कैसे नहीं काम करता, हमें पता था। बस एक होता नहीं कि कोई उतना सीरियसली लेके कि नहीं सिनेमा कैमरा के साथ मैं ट्राई करता हूँ इसे पैरलाइज करने का, कोई किया नहीं था सीरियसली। और चूंकि सब पैरल ही मार्केट में बिक रहा था तो लोग 3D को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो यही मशीनरी यही है कि आपको टिल्ट एडजस्टमेंट भी चाहिए विथ फोकस और दोनों कैमरा एकदम अच्छे से चलना चाहिए, यानी कि दोनों कैमरा आप जेन लॉक पे नहीं चला सकते, ये बिना जेन लॉक के नहीं चला सकते, टाइम से काम नहीं चलेगा क्योंकि शटर एक साथ ट्रिगर नहीं होगा, हेडेक दे देगा, जो VR में बहुत लोगों को होता था। कारण वही है कि कई सारे सस्ते कैमरा लेकर ट्राई करने की कोशिश करते थे तो शटर अगर एक साथ रोल नहीं कर रहा है हेडेक दे देगा। थैंकफुली जेनलॉक यही बनाएगा कि जेनलॉक एक्सटर्नल ट्रिगर से शटर को लॉन्च करता है तो दोनों कैमरा का शटर एकदम पैरेलल सिंक चलता रहता है। वो सारे सिनेमा कैमरा में रहता है, सस्ते कैमरा में नहीं रहता, सिनेमा सारे कैमरा में रहता है। तो ये मशीनरी यही है, यही आपको समझना बेहद जरूरी है कि क्यों आपको सरदर्द होता है, क्योंकि वो आपका ब्रेन को ट्रिक कर रहा है, देखो ये पैरेलल डेटा है, लेकिन आपका ब्रेन को बोल रहा है देखो वो दूर भी है लेकिन पास भी है, ब्रेन बोल रहा है भाई क्या कर रहा हूँ। तो यही समझना बहुत जरूरी कि ये एंगल को सीरियसली सिनेमा कैमरा में इंटीग्रेट करना, ये था अवतार का। और पूरा पिक्चर को ऐसे शूट करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो सीन के लिए उन्होंने ढंग से ये किया और बाद में छोड़ दिया, नहीं नहीं पूरा पिक्चर में शुरू से लेकर अंत तक इसका पूरा मैनेजमेंट किया गया था। और कई बार हो रहा था कि मिस हो रहा था, मल्टीपल टेक्स किया गया ताकि वो एकदम परफेक्ट फॉलो फोकस कर सके विथ टिल्ट एडजस्टमेंट, तभी जाके कैमरा बिना सिर दर्द के आपको पिक्चर दिखा पा रहा था। तो बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि इस तरह का उपड़ा क्यों दिख रहा है, बात है कि बीम स्प्लिटर इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिनेमा कैमरा बहुत बड़ा होता है, जो मैंने आपको पिछले दिखाया था उसमें भी आपको सिरदर्द होगा। क्यों? जब वो ऐसे एडजस्ट कर रहा है, बात है कि हमारा आँख का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, हमारा आँख का पीपल डिस्टेंस ये अराउंड 7.5 mm होता है, ये गैप इतने बड़े बड़े तो आजकल सिनेमा के सेंसर आते हैं। और रहा बात कि सेंसर उतना बड़ा भी नहीं है, दो जनरली उसका लेंस एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लेंस एक दूसरे के ऊपर है, आपका आँख का डिस्टेंस परफेक्टली डालने में लेंस एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाएगा, कैसे होगा वैसा, नहीं हो सकता। तो बीम स्प्लिटर का इस्तेमाल किया जाता है, वही समझिए एक कैमरा नीचे रहता है एक कैमरा पीछे रहता है, या उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब कुछ उसके समय एक ऊपर रहता है, जैसे मान लीजिए ट्राइपॉड में लगाना है तो इसको घुमा दिया जाएगा कि ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। और यही करके आप बड़े लेंस बड़े सेंसर को इतना, मतलब इसका जो डिस्टेंस आपको बता रहे हैं, जो समझ लीजिए दोनों आँख के बीच का डिस्टेंस है, यानी सेंसर का सेंटर पॉइंट इतने ही गैप में होना चाहिए, ये करना पॉसिबल हो जाता है। और इसके बाद आप ये समझिए कि आपको फिर एक्सेस कंट्रोल तब भी देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा लेंस अलाइनमेंट परफेक्ट कर दिया कोई टेंशन नहीं, नहीं सर जी, इसके बाद को फोकस करना है। जैसे कि मतलब मैंने नीचे वीडियो दे दिया, ये खुद बता रहे हैं कि 3 axis ऑफ मूवमेंट हर कैमरा में, मतलब कि टोटल देख लीजिए तो 6 axis मूवमेंट है कंप्यूटर कंट्रोल करता रहता है। मतलब यहाँ पे भी कंप्यूटर है प्लस इससे पीछे बार बार आप देखिएगा तो बड़का बड़का तार जा रहा है, वो तार जा रहा है कि मतलब डायरेक्टर के, डायरेक्टर कहना गलत होगा, फोकस पुलर के तौर पर समझ लिया था, क्योंकि यहाँ पे 3D फोकस पुलर है, नॉर्मल फोकस पुलर से काम नहीं चलेगा, 3D फोकस पुलर, क्योंकि आपको फोकस भी करना है और प्लस एंगल भी एडजस्ट करते रहना है। तो वही समझिए, और यही टेक्नोलॉजी मतलब अवतार बहुत सीरियसली ली है, कि मतलब हम बस ऐसा नहीं कि बनाने के बना दे रहे हैं, बहुत सीरियसली ठंडे दिमाग से इसको पूरा डेवलप किया, पैकेज किया। आजकल ये आराम से मिल जाता है, तो अगर आजकल आपको 3D पिक्चर देखने को मिल रहा है, चांसेस है कि डायरेक्टर एफर्ट नहीं डाला है, नहीं तो टेक्नोलॉजी में, क्योंकि देखिए बीम स्प्लिटर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, हम लोग इसको बहुत पहले टेलीप्रॉम्प्टर में यूज़ करते थे, बाद में किसी को समझ आया, जैसे कि पिक्चर हुई आपने देखी होगी 300, तो उसमें था ना कि बहुत सारा सीन जूम इन है जूम आउट है जूम इन है जूम आउट है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा था। तो हो क्या रहा था कि उन्होंने फ्रंट में कैमरा सिनेमा कैमरा, नीचे हाई स्पीड कैमरा लगाया हुआ था, तो एक ही लेंस मतलब समझिए इसीलिए एक ही व्यू पॉइंट से उसको दो डेटा मिल रहा था, तो हाई स्पीड कैमरा में वो स्विच कर रहे थे जहाँ पे उनको दिखाना है, तो स्लो फास्ट तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो बीम स्प्लिटर ला के। लेकिन हाँ आपका ISO बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये कहने को 50-50 लाइट स्प्लिट रहता है, मतलब 50% नीचे जा रहा है 50% पीछे जा रहा है, रियल वर्ल्ड में कोई उतना होता नहीं है, 40-40 हो जाता है, 20% लाइट लॉस हो जाता है, तो आपका ISO थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लाइट ज़्यादा डालना पड़ेगा सीन में। तो वही समझिए बीम स्प्लिटर ही वही मैनेज करता है, क्योंकि हमारा पूरे डिस्टेंस 7.5 cm से मतलब ज़्यादा नहीं होता, और बाकी जो कैमरा ये भी कर रहे थे उसमें मतलब लिटरली डिस्टेंस इतना है, उतना नहीं चाहिए सर हम लोग को, इतना चाहिए।
अब इसमें इससे बड़े सेंसर का इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि अगर एंड गेम चाहता ढंग से तो इस तरह करके एंड गेम किया जा सकता है, लेकिन हाँ कैमरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब हर जगह स्क्रीन पे होता है, ऐसे हैंड हेल्ड शॉट्स तो होते ही नहीं उससे, मतलब क्योंकि आर ई एलेक्सा जो 65mm का है वो पहले सेंसर ही इतना बड़ा है, और उसका दो सेंसर दो बड़े लेंस बहुत बड़ा इक्विपमेंट हो जाता है, लेकिन हाँ 3D ला सकते थे चाहते तो। तो यही बात है कि ये होने के बाद भी ना कई बार होता है कि कौन उतना देखेगा, एक काम करो कंप्यूटर से ज़बरदस्ती का पोत दो। यही मेन यही था, ब्लीम स्प्लिटर का इस्तेमाल करके टिल्ट एंगल डाल के तब जाके अवतार बनाया गया ढंग से, और तब जाके हुआ कि अच्छा 3D बनाया जा सकता है ढंग से, इसीलिए अवतार इतनी बड़ी बात थी। तो अब बात करते हैं पिक्चर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एफर्ट ज़्यादा मायने रखता है, ये बात एकदम समझ लीजिए। कई लोगों का टेक्निकल डिटेल होता है, जैसे कि बॉलीवुड की पिक्चर खराब लगती है, टट्टी लगती है, तो क्यों है, क्या हो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, नहीं टेक्नोलॉजी की बात नहीं, हमारे पास एफर्ट नहीं है, एफर्ट उसमें डालते ही नहीं है। एग्जाम्पल ये समझना जरूरी है कि आप आराम से पिक्चर देख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, अगर वो बहुत पहले भी बनाया हो, बहुत बेकार सीजी हो तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्यों, अगर एफर्ट डाला गया है, क्योंकि वो एफर्ट डाले तो आपको लग रहा है कि आप अपना एफर्ट डालो, ये इंसानी का सबकॉन्शियस लेयर में ये सब प्रोसेसिंग चलता है। तो हिसाब वही समझिए कि अगर आप एफर्ट कम डाल रहे हो आउटपुट क्या गुजरा होगा, जैसे कि अभी राम सेतु का मतलब ट्रेलर आया, और पता नहीं ये लोग क्या कभी शिप में नहीं गए, शिप में इतने बड़े बड़े विंडो नहीं होते हैं, क्रूज शिप में भी उतना बड़ा विंडो नहीं होता, मतलब कोई भी जाके अच्छा हमको शिप का सेट बनाना है, कोई टेंशन नहीं है, ट्राई तो कीजिए जाके एक बार फोटोशूट कर लीजिए कि अच्छा शिप अंदर से ऐसा दिखता है, ये ऐसा बस बना के, मतलब कि अच्छा एक रूम है जो मतलब शिप जैसा बिहेव कर रहा है, लाइक एफर्ट आप डाल ही नहीं रहे तो पिक्चर तो टट्टी ही निकलेगी ना सर, एफर्ट दिख जाता है लोगों को। मतलब अगर सिंपल एग्जांपल देते हैं बिग बैंग जैसा जो लाइट वेट टीवी शो है, उसमें भी जब स्पेस शटल का स्पेस में जाने वाला सीन था तो उन्होंने एक्चुअल मॉडल बनाया, सबसे हाई लेवल पे अगर बात करूँ जहाँ एफर्ट डाला है तो एक्सपेंस जो है ना पूरा का पूरा रोसनंटे बनाया गया था, फिजिकल स्ट्रक्चर था, तो एक फील आती है जो आपको तुरंत पता, अरे यार अच्छा क्वालिटी लगता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एफर्ट ज़्यादा जरूरी है ना कि टेक्नोलॉजी, एफर्ट अच्छा है दिखेगा, वही जेम्स कैमरन ने वो एफर्ट डाला, क्योंकि टाइटैनिक ऐसी बात नहीं थी कि टाइटैनिक पहली पिक्चर थी, टाइटैनिक बहुत बार बनाई जा चुकी है, लेकिन किसी ने उतना एफर्ट डाला ही नहीं, क्योंकि वही बोल रहे टाइटैनिक कोई नई पिक्चर नहीं है, वो आई थिंक थर्ड या फोर्थ रीमेक है, तो उतना था पूरा का पूरा सीन बनाना, पूरा सेट बनाना, पूरा शिप करना, एफर्ट उन्होंने डाला तो दिखा लोगों को, तब लोग बोले यार पिक्चर सॉलिड है। अवतार में क्या क्या कोई स्टोरी में कॉम्प्लेक्सिटी कोई डर नहीं, एफर्ट डाला, देखिए खुद कैमरा लेके चल रहे हैं और खुद मतलब वीडियो नीचे दे दिया, उस देख सकते हैं कि परेशान हो गए थे, क्योंकि 3 टेक के बाद ये कैमरा बहुत ज़्यादा भारी है, 3 टेक के बाद ही उनका बैंड बज रहा था, लेकिन करना था। तो वही समझिए, एग्जांपल अगर आपको देना चाहें आयरन मैन 1 को कंपेयर कीजिए ब्लैक विडो से, दोनों के बीच में 10 साल का अंतर है, लेकिन आपको ब्लैक विडो कचरा लगेगा कि यार क्या दिखा रहे हो, सीजी देख के हंसी आएगी, वहीं आप आयरन मैन 1 देखिए लगेगा बनाया है भाई, वहीं आपको पैसिफिक रिम देखिए और इसको कंपेयर कीजिए पैसिफिक रिम अपराइजिंग से, और अगर आपका कोई भी बोल रहा है कि पैसिफिक रिम अपराइजिंग ज़्यादा बेटर है पैसिफिक रिम से, उसे दोस्ती छोड़ दीजिए, दूर हो जाइए। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आर्टिस्ट एफर्ट डाल रहा है, क्वालिटी टेक के लिए नहीं कि हम टेक डेमो बना रहे हैं, नहीं हम एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें एफर्ट है, जैसे इस पिक्चर में ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जेगर सब जो है बहुत बड़ा है, तो कैसे दिखाते थे, हमेशा अगल बगल कोई इंसानी चीज़ रहता था जो कॉन्टेक्स्ट देता था कि अच्छा ये सही में बहुत बड़ा है, यहाँ पे खुला हवा में कर रहे सीन में वो कैरी नहीं, जबकि उसका फिजिक्स सिमुलेशन ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो हो रहा है ना, मतलब आर्टिस्ट ने एफर्ट नहीं डाला, दिख रहा है कि और इसका देख के लो, दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, पूरा पिक्चर देखिए, मतलब सेम एसेट्स हैं, सेम सीजी मतलब बजट है, फिर भी ये लगता है कि क्या बनाया भाई, और ये लगता है कि क्या देख रहे हैं, तो वो समझना बेहद ज़रूरी है। फिर आप कंपेयर कर लीजिए हॉबिट वर्सेस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मतलब सेम डायरेक्टर था उसमें, तो हिसाब वही रहता है कि स्टोरी को सर्वाइव करने के लिए सोल होना चाहिए, सोल एफर्ट से आता है, आप एफर्ट डालोगे ही नहीं कचरा ही निकलेगा। ये अवतार मतलब बहुत सारे एनिमेटेड मूवी हैं जो इससे ज़्यादा डीप है, लेकिन बात है इसमें पूरा एफर्ट डाला, मतलब पेंडोरा को जब इन्होंने डिज़ाइन किया तो बस ऐसा नहीं कि पेंडोरा है, टाइम लेके पूरा एटलस बना के पूरा विकिपीडिया बना एक ठो एक समझ लिए पेंडोरापीडिया कह के, जिसमें कि हाँ ये स्पीशीज़ है, ये स्पीशीज़ ऐसे काम, जो स्पीशीज स्क्रीन में सिर्फ 1-2 सेकंड है, कुछ कुछ स्पीशीज़ कट कर दिए गए, डाले भी नहीं गए, लेकिन एफर्ट डाल के जो बनाए तो पूरा जो कलरिंग किए कि हाँ ये हमारा सीन है, क्यों ऐसा दिखता है, क्यों ऐसा ग्लो करता है, वो एफर्ट आपको दिखा, आपको देखने से वो एफर्ट लगा कि यार बंदा एफर्ट कर रहा है, आपका दिमाग का समझ एक आर्मर हट गया कि हाँ भाई बंदा मेहनत कर रहा है, तो मैं थोड़ा चांस देता हूँ, आपको पिक्चर अच्छी लगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागिए, बॉलीवुड कचरा बनाता है इसलिए नहीं कि वो बॉलीवुड कचरा बनाता है, इसलिए वो इसलिए बनाता है कि एफर्ट ही नहीं डालना चाहता, इसलिए अरे सुंदर लड़की डाल दो काम खत्म, लाइक पिक्चर में लिटरली दिखा रहे हैं ब्रह्मास्त्र में कि बंदा पंच मार रहा है, ट्रक ऐसे हो रहा है, ठीक है ट्रक का झोला क्यों नहीं गिर रहा है, इस लाइक भाई अगर मैं ऐसा कर देता गेम इंडस्ट्री में, मैं ऐसा सिमुलेशन बना के देता ना, वो बोलते देखो दरवाजा निकल जाओ, ये पिक्चर में ऐसा डाल दे रहे हैं, एफर्ट ही नहीं है।
क्यों भाई सुंदर कन्या डाल दो, काम खत्म। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एफर्ट है तो ही आपका पिक्चर चलेगा, एफर्ट नहीं है मार टेक्नोलॉजी डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए एग्जांपल्स दे रहे हैं और आप तो खुद भी लिख सकते हो, नीचे लिख दीजिए कमेंट पे आपको कौन कौन सा एग्जांपल दिखा जहाँ पे बेटर होने के बाद भी कचरा लगने लगा। स्टार वॉर्स पर मत जाइए, बहुत लोग गर्म हो जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अवतार का कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक दो बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगी कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।